कौन सी वीडियो एडिटिंग करा ली तुझसे मैंने, कौन से शूट करा लिए, 3 महीने तूने कुछ नहीं किया और अब ये सब चल रहा है यहाँ पे, और कह रहा है मम्मी के साथ हॉस्पिटल, तुझे पता। गाइस कैसे आप लोग, आई होप आप सब बहुत ही अच्छे के, तब और भी अच्छा करने लेके आई आपके रेट से बहुत ही धमाकेदार वीडियो। सो गाइस बहुत ज्यादा हाई डिमांड में आप लोगों के आइडियाज आ रहे थे कि यार एरिक पे प्रैंक करो, एरिक पे प्रैंक करो, तो फाइनली एरिक पे प्रैंक करने वाली हूँ आज, और इतना गंदा प्रैंक करने वाली हूँ ना कि मतलब कद्दे वाला रुला देंगे बंदे को। तो आज क्या है कि यार 2 दिन से ना बंदा बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, दी मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है, मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। एक बार कैमरा जरा उधर करके दिखाओ, क्योंकि मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ लिया है, तो कैमरा थोड़ा इधर करके दिखाओ कि ये कर क्या रहा है, देख रहे हो आप लोग। आज तो इसका मतलब बहुत बुरे वाला कटने वाला, तो एक काम करती हूँ सर फोन लगा के पूछती हूँ कि अभी भी ये सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को, तो रियलिटी बेस्ड वीडियो होने वाली है ये, है ना। तो सुनो ये क्या कहता है, उठा भी नहीं रहा है फोन। हेलो ब्रो, कहाँ पे है? नहीं, मैं तो बुखार हो रहा था, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में हूँ मैं तो अभी। हॉस्पिटल में है तू, बुखार है? अच्छा कितने दिनों से बुखार चल रहा है तेरा, ये ठीक कब होगा बुखार? जी 2 दिन तो हो गए वैसे। 2 दिन हो गए हॉस्पिटल में, हाँ मम्मी के साथ आया हूँ। अच्छा मम्मी के साथ आया है, अच्छा एक काम कर ब्रो, को ना लाइव लोकेशन भेज दे एक बार, है ना, तो मुझे ना थोड़ा ट्रस्ट हो जाएगा। 3-4 दिन हो गए ना शूट नहीं कर रहा है तू, तो 3-4 दिन से ना परेशान हो रही हूँ, तो एक काम कर तू ना मुझे लाइव लोकेशन भेज व्हाट्सएप पे। ठीक है ओके, जल्दी भेज जरा। तो यार लाइव लोकेशन हमें तो पहले ही पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा अंदर, और लाइव लोकेशन भेजे ना भेजे, हम एक काम करते हैं, उसको पक्का पता है कि यार दी साउथ एक्स से द्वारका तो आने से रही, इसलिए वो लाइव लोकेशन ही भेज देगा। बहुत चालू हो गया है मेरे साथ प्रैंक कर करके ना, तो चालू हो गया है, तो इसकी सारी चालू पंती है ना वो आज निकालने वाला है। तो एक काम करो जरा हल्का सा दिखाओ करके आ रहे अंदर, अंदर चलते हैं। तो तुषार एक काम करियो, थोड़ा ना ऐसे रखियो कि पता ना लग जाए, क्योंकि बहुत तेज है वो, और क्या कहते हैं कैमरे को ना उस साइड से पाक के उस साइड से जाके हाइड कर दियो, हिडन होना चाहिए, कुछ भी दिखना नहीं चाहिए प्लीज, है ना, फंसने नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं चलते हैं, और इसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। जरा कैमरा दिखा दो इधर, ये देखो ये मम्मी के साथ हॉस्पिटल में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, देख ही पा रहे हो आप लोग। क्या हो गया, शॉक्ड हो गया? हाय कैसे हो आप? बढ़िया। हाय ब्रो कैसे हो आप? बढ़िया। बुखार ठीक नहीं हुआ? हाँ बुखार तो नहीं है तुझे? बस थोड़ा। लाइव लोकेशन तूने भेजी होगी, तू सोच रहा होगा यार दीदी आ तो सकती नहीं है ना, तो बैठ जाती हूँ। और क्या चल रहा है, बुखार चल रहा है मेरे को लग रहा है तेरा 2-3 दिन से। बुखार हो रहा है जी। बुखार हो रहा है? अब थोड़ा ठीक हो गया वैसे। अच्छा अब मैं आई तो बुखार ठीक हो गया, वाह ताली बजाओ क्या आपके लिए, सब सुनेंगे यहाँ पे तालियां, सत्संग कर लेती हूँ यार बैठ के, है ना। बुखार हो रहा है ना 2 दिन से, हॉस्पिटल में है ना और मम्मी के साथ है, आप क्या इसकी मम्मी हो? नहीं। बंदी है तुम्हारी, तो मतलब तुम्हें चैनल से ज्यादा अपने रिलेशनशिप की पड़ी है? नहीं वो थोड़ी प्राइवेसी चीज होती है ना, तो इन्होंने कॉल करा था तो सोचा। तुम्हें एरिक सब कुछ पता है कि मेरे को झूठ से सख्त नफरत है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, जो झूठ बोलते हैं ना मैं उनके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। यार कदर नहीं है यार तेरे को चीजों की, तू बोल रहा है मम्मी के साथ है, तू बोल रहा है बुखार है 2 दिन से, और अब तुझे यही, तू मुझे पक्का पता था तुझे लग रहा होगा दीदी आएगी तो सही नहीं साउथ एक्स से द्वारका, है ना, तो लाइव लोकेशन तूने मजे से भेज दी। क्या सीन चल रहा है एरिक, कल से पक्का आ जाऊंगा शूट पे, यही होता है हर बार कल से पक्का आ जाता हूँ क्या शूट पे, देखो करना नहीं तो मुंह पे क्लियर बोल रहा है यार कल से, ये क्या चल रहा है यार सब, और तुम इसको समझा नहीं सकती क्या, क्या चल रहा है? नहीं है, मेरे अंडर वो काम कर रहा है, तो यार तुम उसको समझाने, तुम्हारा फर्ज है ना उसको समझाना कि काम को प्रायोरिटी पे रखे, ये रिलेशनशिप सब, मैं ये तुम्हें यहाँ पे भड़का नहीं रही इसके खिलाफ, लेकिन रिलेशनशिप सब तेल लेने चला जाता है एंड में, अगर तुम्हारा करियर सेट नहीं है, पैसे नहीं है ना जेब में, कुत्ता भी नहीं पूछता। कल से आ जाऊंगा। पानी का गिलास पीते हो ना बाहर, वो भी 2 रुपए का मिलता है सामने, 2 रुपीज पता है ना सड़क पे, 1 पैसा भी यहाँ पे फ्री में नहीं मिलता, अपनी वैल्यू कैसे बना रहा है यार, क्या हो गया, माना लॉकडाउन हो गया, चैन नहीं मिला क्या लॉकडाउन में?
घर पे ही था, क्या कर रहा था, कौन सी वीडियो एडिटिंग करा ली तुझसे मैंने, कौन से शूट करा लिए, 3 महीने तूने कुछ नहीं किया और अब ये सब चल रहा है यहाँ पे, और कह रहा है मम्मी के साथ हॉस्पिटल। तुझे पता है मैं, मुझे सच बोल के तुम मेरी जान ले लो, कोई दिक्कत नहीं, झूठ बोल के मेरे को ये चीजें बर्दाश्त नहीं है, मुझे झूठ 1% भी बर्दाश्त नहीं है। क्या हो गया, बोल कुछ यार हर बार, ये मैं तेरी खामोशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक काम कर, यहीं पे रह इसके साथ। नहीं एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आप समझ सकते हो ना, इतना टाइम हो गया था। और कितना टाइम हो गया, 3 महीने से तुम मिले नहीं, लॉकडाउन तो अभी भी चल रहा है, 3 महीने हो गए ना यार, तुम लोगों को स्पेंड कर सकते थे ना टाइम एक दूसरे के साथ। काम के सीन में ही यही करना होता है क्या एरिक, नहीं करना तो क्लियर बोलना। और मुझे अब और गुस्सा आ रहा है, तुझे पता है जब मेरे सामने कोई बोलता नहीं है ना, मुझे और गुस्सा आता है, मुझे खामोशियां बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। क्लियर बोल, नहीं करना क्या काम, नहीं करना क्या काम, करना काम तो ऐसे करना है क्या, नहीं करना क्या काम, बोल यार, गुस्सा मत करो प्लीज, गुस्सा नहीं आएगा क्या, तुम बताओ, तुमसे कोई इतने झूठ बोल रहा है, इसको पता है अच्छे से, क्लियर चीजें इसको पता है, इसको पता है चैनल इतना डाउन चल रहा है, मेरे चैनल का रियल टाइम क्या चल रहा है, खुश रह तू, मैं चैनल छोड़ रही हूँ, मुझे मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं शूट पे नहीं आ सकता। एक वीडियो इस बंदे को भेजी है, वो भी इसने 2 दिन में एडिट करके दिया है, कितनी देर लगती है वीडियो एडिटिंग में यार, मैं यहाँ पे मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे लग रहा था कि ये बंदा मेरे साथ है, मेरा भाई बना हुआ है, अच्छा कभी मैंने एज अ कैमरामैन ट्रीट किया इससे, पूछ यार कभी किया, मुझे सच्ची बातों में बहुत गुस्सा आता है, और तू झूठ बोल रहा है मुझसे, तुझे नहीं, मेरी बात सुन, तुझे नहीं करना ना, बोल ना, नहीं करना क्या तुझे, क्या एक मिनट इसको नहीं करना, इससे क्लियर पूछ के, मैं क्लियर पूछ के जाऊंगी ना यार, करेगा वो अच्छे से करेगा, अब मैं कल से पक्का आ रहा हूं, जिस इंसान को, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम पैसों के लिए इतने लालची हो, लेकिन जिस इंसान को पैसे से प्यार नहीं है ना, थोड़ा भी नहीं है, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूं अब, जेब में अगर पैसे हो गए ना तो ही हर कोई पूछेगा, वरना कोई नहीं पूछता किसी को, कुत्ते वाली कदर है बिना पैसों के, और मुझे अपने करियर की नहीं पड़ी है, अब से वो आ जाएगा यार, मैंने इसको भाई की तरह ट्रीट किया, सीरियसली हमेशा मैंने भाई समझा, और ये बंदा क्या कर रहा है, मुझे बोल रहा है मैं, मुझे बुखार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और इसको इसने लाइव लोकेशन इसलिए सेंड कर दी, मुझे पहले ही पता लग गया था ये बुखार था, वो तो थोड़ा ठीक हो गया, तो बस मेरे आते तो बुखार ठीक हो गया, क्या ये ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही तो चल रहा है यार, मेरे आते तेरा बुखार ठीक हो गया, तेरा बुखार भी ठीक हो गया, तुझे तो कहीं से मुझे बुखार नजर नहीं आ रहा, कहीं से बुखार नहीं है तुझे, कहाँ है बुखार, बुखार ठीक हो गया था मॉर्निंग में, अभी तूने फोन पे 5 मिनट पहले मैं तेरे को फोन किया, तूने बोला मुझे बहुत तेज बुखार है, मैं मम्मी के साथ हॉस्पिटल हूँ, अरे झूठ क्यों बोला, मुझे बस यही जवाब चाहिए, दिन का कॉल आ गया था, फिर और दिन मिलना था, तो फिर मैं सोचा अब मुझे क्लियर बोलता ना, अगर मुझे मिलना है, इनकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, सिर्फ मैं इनको मिलने के लिए बुलाई थी, तो इसको खुद की अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, मतलब ये अपने चैनल, ये मेरे चैनल को अपना चैनल समझता ही नहीं है, इसका मतलब है ना, नहीं, मैं हमेशा हमारा हमारा करती थी ना, हम ये डिजर्विंग नहीं है, ये लायक नहीं है, मुझे समझ आ गया, ऐसा नहीं होगा, मैं कल से आ रहा हूं, मैं प्रैंक चैनल छोड़ रही हूं, कल से आ रहा हूं, मैं हार्ड वर्किंग, सीरियसली आर यू सीरियस, हार्ड वर्किंग है ये, मुझे भी ऐसा ही लगता था, हार्ड वर्किंग है ये, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, दिखा दिया ना इसने कितना मेहनती है ये, हर बार तू ऐसे करता है, क्या चल रहा है ये, देख तो काटने की बिना एक हद होती है, इसने सारी हदें ही क्रॉस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे आप समझ रहे हो, मैं तू कल से गई, अब तू यही रही हो और इसके साथ रही हो और खुश रही हो, अब इसके साथ ही रह, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई और कैमरे के लिए, कोई और एडिटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए कोई और बंदा देख लूंगी, बट मुझे झूठ से तो सकता है, जो मेरे लिए लॉयल है ना वो मेरी जिंदगी में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते, और फिर मतलब चैनल डाउन हो जाएगा, डाउन क्या, मैं छोड़ ही रही हूँ यार, मैं छोड़ ही रही हूँ, मैंने हिम्मत हार दी, जब अपने लोग ही ऐसे दगा देते हैं ना, बेकदरी करते हैं, जिनको खुद की कोई परवाह नहीं होती, और साले सामने वाले की भी बिल्कुल नहीं सोचते, तो यहाँ लगती है यार, यहाँ लगती है, खुश रहो तुम भाई, साथ में खुश रहो, एंजॉय करो, अब नहीं होएगा, मैं आ रहा हूँ कल से, पक्का अब नहीं होगा, तुझे मैं मिलूंगी नहीं कहीं भी, मैं चैनल कर रही हूँ डिलीट, क्योंकि यार मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को झूठ से सख्त नफरत है, तूने इतने झूठ बोल दिया ना मेरे को, मतलब मेरा दिमाग सटक चुका है, और तुझे पता है गुस्से में मैं पागल हो जाती हूँ, सॉरी से कुछ नहीं होगा यार, सॉरी से कुछ नहीं होगा, दिल दुखाया इसने मेरा, बट अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा, दिल दुखाया, कल आ रहा हूँ शूट पे पक्का, मेरे को बुखार है दी, मैं 2 दिन से बुखार में हूँ बहुत ज्यादा, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बट रबीश यार क्या चल रहा है, क्या है ये,
मुझे कहीं से इसको बुखार नजर नहीं आ रहा। मैं कल से आ रहा हूँ। अगर इस सच बोल के मेरे से 3 महीने ना आए ना शूट पे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यश से शूट करा लूंगी, मैं तुषार से करा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रॉब्लम समझूंगी, भाई है मेरा यार था, सॉरी। लेकिन झूठ बोल के कर रहा है ना ये चीजें, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। प्लीज मैं आ रहा हूँ, मैं कल से शूट पे आ रहा हूँ, प्लीज। खुश रह और भाई मजे करो दोनों साथ में, निकलो यहाँ से। क्या हो गया अब? बुखार तो तेरे को सच में नहीं है? झूठ तो तू बहुत बोलता है। दी आपसे नहीं बोलूंगा। पक्का? पक्का। और बोला तो? दी अब नहीं बोलूंगा, आपसे सारी बातें शेयर करके रखूंगा, आपसे सारी बातें शेयर करूंगा। पक्का झूठ तो नहीं बोलेगा? नहीं। ये तो नहीं करोगे शूट के पीछे? नहीं 100%। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना एक छोटा सा मजाक करी थी तुम लोगों के साथ। मतलब तुषार को लाई थी अकेले थोड़ा होंगी अब द्वारका, वो देख सामने तुषार कैमरा लगा हुआ है। अबे यार मतलब फिर से मेरे ऊपर पब्लिकली एरिक को पकड़ा, प्लीज एरिक को ना रंगे हाथों पकड़ा, देखो उसकी बंदी के साथ हद होती है यार। तरीके से डरा दिया हमको, अब क्या करें यार। गुस्सा तो वैसे सच में था, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन यार प्रॉमिस कर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। प्रॉमिस अब पक्का नहीं होगा, तुम पे भरोसा कर लूं 100%। कर लो ठीक है, अब तुम ये करो और मैं जा रही हूँ, ठीक है? कल शूट पे आ जाइयो 12 बजे, नहीं आए ना फिर देख लियो, जान से मार दूंगी इस बार।